तफसीलात के मुताबिक मेहनत कश नादिर हुसैन की बीवी ने खाना पकाने के लिए अपने कमरे में गैस वाला चूल्हा जला रखा था, जिससे अचानक पाइप लीक होने से आग भड़क उठी और पास रखे हुए बिस्तर को जा लगी और देखते ही देखते सारे घर को आग ने अपनी लपेट में ले लिया, जिसके सदमे आकर बेटी मैक नादिर और बीवी फातिमा बीबी शहीद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन मैक नादिर जख्मों की ताब न लाते हुए जहाँ बाग हो गई और घर का सारा सामान जलकर खाकतर हो गया।